राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल क्यूट कान्हा जी में। तो आज हम अपने कान्हा जी के लिए इस टाइप की ड्रेस बनाएंगे। और ये देखिए, इसकी मैंने चोली जो है अलग से बनाई है, ये जो घेरा है वो अलग से बनाया है। तो ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह की ये जो है ड्रेस हमारी लुक देती है। तो ये मैंने मुकुट भी घर पर ही बनाया है, अगर आप कहेंगे तो मैं मुकुट की वीडियो जो है जल्द ही अपलोड करूँगी। आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएँ कि आपको मुकुट भी सीखना है या नहीं। तो इसमें मैंने कुछ नहीं, जस्ट स्पंज फ्लावर यूज़ किए हैं, थोड़ी सी बाल चेन, मिरर लेस और जो है हाफ पर्ल या फिर आप फुल पर्ल ले सकते हो। मैंने चोली में साथ में ही नेकलेस बनाया है ताकि ऊपर से जो जब हम नेकलेस अलग से पहनाते हैं तो उतनी अच्छी लुक नहीं दे पाता, तो इसलिए मैंने नेकलेस भी साथ में ही चोली में ऐड किया है। तो आइए देखते हैं इसको बनाना। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला फैब्रिक, इस कलर की मैं ड्रेस बना रही हूँ। तो ये मैंने डायमीटर कट किया है 7 इंचीज का, 2 नंबर के कान्हा जी के लिए परफेक्ट साइज़ है। अगर आप 0 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 4 इंची का लीजिए, अगर आप 1 नंबर का बना रहे हैं तो 6 इंची का डायमीटर आप ले सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग 1-1 इंचीज आप इंक्रीज़ करते जाएँ। और सेम मैंने लॉन कट कर लिया है, इसको मैं इस तरह से यहाँ पर स्टिच लगा रही हूँ, ये हमारा जो है बेस रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, सेम ये वाला फैब्रिक लेना है और उससे हमने जो है कली कट करनी है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। बेस रेडी होने हो जाने के बाद मैंने सेम फैब्रिक लिया है ये वाला, इस पर हमने जो है सेंटर का यहाँ पे पॉइंट टिक मार्क कर लिया है। और अब हमने क्या करना है, ये वाला अगर आपके कान्हा जी छोटे साइज़ की हैं तो 1 या 1.5 इंची, अगर बड़े साइज़ के उसी अकॉर्डिंग जो आप 2 या 2.5 इंची बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक रखा और फिर मैंने पेन से मार्क किया है, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल जैसे ट्रायंगल की शेप देते हैं, लेकिन पूरा ट्रायंगल नहीं बनाना, तो यहाँ पर जो है इस तरह से ही छोड़ देना है, ये देखिए इस तरह से। तो ये मैंने फैब्रिक कट करना है, इसके नीचे भी मैंने जो है सेम लोन लगानी है, अगर आप चाहें तो बुकरम भी लगा सकते हैं। और इसको यहाँ पे जो है अटैच कर देना है, ये वाली कमर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आगे की ओर मैंने इसको स्टिच लगा देना है। तो ये देखिए मैंने ये वाला जो है बेस और ये वाली कली रेडी कर ली है। अब मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगाना है और साथ में ही सेम कलर का फैब्रिक लेके यहाँ पे एक पाइपिंग निकाल देनी है, जैसे कि मैंने बहुत सारी पहले ड्रेसेस में निकाली है। बैक साइड से हमने जो है थोड़ा सा एक स्ट्रिप लेनी होती है, उसको यहाँ से राउंड शेप में स्टिच लगाना है, फिर उसकी वही जो है स्ट्रिप इधर वाली साइड में करके फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगा देना होता है। तो वो मैं कर लेती हूँ, ये देखिए एक स्ट्रिप ली, इसको मैंने बैक साइड में इस तरह से यहाँ पे राउंड शेप में इस तरह से घुमाकर स्टिच लगाया, वही स्ट्रिप बाद में मुड़कर आगे की ओर मैंने करनी है। और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके जो है स्टिच लगा देना है। और मैं एक साइड तो मैं कली लगाऊंगी, अब कान्हा जी को पहनाने के लिए यहाँ पे एक साइड में ये वाला जो है निशान लगा के कट लगा लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको जो है साथ में स्टिच लगा लिया है और यहाँ पे भी डोरी जो है वो पाइपिंग ऐड कर दी है। उसके बाद मैंने कुछ लेने हैं स्पंज फ्लावर और मिरर लेस, तो ये मैं ले रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है वाइट कलर के स्पंज के फ्लावर लिए हैं और ये वाली मिरर लेस ली थी, उसके मैंने पैचेस कट कर लिए हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि कोई भी ग्लू की हेल्प से हमने क्या करना है, यहाँ पे तो मैंने मिरर लेस के पैचेस जो है वो लगाने हैं। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी दूर के बाद जो है पेस्ट कर रही हूँ इस तरह से, और उसके बाद मैंने सारी बाउंड्री पे यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाली कली के ऊपर भी ये वाले जो है फ्लावर्स ऐड कर लेने हैं। तो ये मैं ऐड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ और फिर हम जो है चोली बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने ये बाउंड्री पे जो है स्पंज फ्लावर लगाए हैं, ये वाली कली की बाउंड्री पे स्पंज फ्लावर लगाए हैं और ये वाली जो मैंने यहाँ पर ऐड की थी 1 स्ट्रिप, तो वहाँ पे भी मैंने जो है इनसे को कवर कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाया है, उसके ऊपर भी मैंने एक जो है मिरर लेस का पैच लगाना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, मैंने ली है कुछ बॉल चेन्स, तो अगर आपके पास बॉल चेन नहीं है
तो आप कोई भी तरह की स्टोन चेन कोई भी स्टोन्स वगैरह। तो ये मैंने मिरर पैच लगा दिया है। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने बॉल चेन ली थी तो बॉल चेन को भी मैंने इसी तरह से यहाँ पे इस तरह से लगाया और ये मैंने यहाँ पे लगाई और उसी टाइप से मैंने दो या तीन बॉल चेन्स इसकी साइड्स में भी इस तरह से लगानी है। तो ये मैंने ग्लू लगा ली है तो ये देखिए इस तरह से इधर वाली साइड में भी लगाऊंगी सेम प्रोसीजर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे जो है 5 टोटल बॉल चेन्स लगाई है। आप चाहें तो 6, 7 या फिर जो है 9 लगा सकते हैं। अब मैंने लिए हैं हाफ पर्ल, ये मैंने वाइट कलर के हाफ पर्ल लिए हैं और उनको भी मैंने इनके बाद जो है पेस्ट कर देना है 1-1 पर्ल को। तो ये मैंने 5 ही पर्ल हाफ पर्ल जो है पेस्ट करने हैं तो ये भी मैं कर रही हूँ। अगर आप और जो है बॉल चेन लगाते हैं तो ज़्यादा पर्ल्स आपके लग जाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारे ड्रेस का बेस रेडी हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे चोली। ये देख सकते हैं आप ड्रेस का बेस जो है रेडी हो जाता है। तो चोली बनाने के लिए मैंने फैब्रिक लेना है सेम कलर का। तो ये देखिए ये मैंने फैब्रिक की जो है स्ट्रिप ली है। अपने कान्हा जी की जो है विड्थ के अकॉर्डिंग ले लीजिए, जितना भी आपके कान्हा जी का शोल्डर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने लेनी है। तो इस स्ट्रिप को मैंने इस तरह से किया और फिर मैंने इसको फिर से फोल्ड किया। तो अब आप देखिए कि यहाँ से थोड़ी सी मैंने गोलाई करनी है इस तरह से और यहाँ से हमने इस तरह से जो है कट लगाना है, थोड़ा सा और डीप जाना है। ये मैंने जितना साइज़ रखा है वो रखा है कान्हा जी की कमर के अकॉर्डिंग। ये वाली कमर होगी और ये वाला मैंने टॉप वाला रख लिया। तो इसके ऊपर जो है आप बुकरम वगैरह पेस्ट करके फिर लोन लगा लीजिए तो फिर बहुत अच्छी लुक आ जाएगी और हैवी चोली बनेगी, क्योंकि ये वाला जो मेरे पास फैब्रिक है वो काफ़ी थिन है ये देखिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे बुकरम ऐड कर रही हूँ, उसके बाद हम इसकी डेकोरेट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बुकरम पेस्ट कर ली है, बाद में जो है मैं अस्तर इस पर पेस्ट कर लूँगी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने नेक का यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप में कट लगाना है। तो इसी को इसी तरह से फिर से फोल्ड किया और यहाँ से नेक का जो है हमने इतना सा कट लगा लेना है और एक साइड से हमने यहाँ पे भी जो है ये वाला इस तरह से कट लगा लेना है। तो इसके बाद मैंने ये सारी बाउंड्रीज पे ये वाली मिरर लेस बॉल चेन जो है वो लगा देनी है और यहाँ पे भी हमने कोई भी बॉल चेन या फिर कोई भी जो है मोती वगैरह लगा देने हैं, जितने भी आप डेकोरेट करना चाहते हो। मैं वन साइड ही करूँगी क्योंकि बैक साइड करने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसीलिए मैं वन साइड कर रही हूँ। तो ये मैं जो है डेकोरेट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो है 1 बॉल चेन ऐड की है, फिर मैंने एक जो है स्टोन चेन ऐड की है और फिर से मैंने एक बॉल चेन ऐड की और फिर से मैंने हाफ पर्ल्स की लाइन लगा दी है और यहाँ पे भी मैंने ये वाली मैंने गोल्डन डोरी यूज़ की है। ये वाली इस तरह की आती है, ये इनविटेशन कार्ड वगैरह में यूज़ होती है। तो ये देखिए और नीचे मैंने एक जो है रिबन लगा दिया है, स्टिच लगाया है उस पर। तो ये हम अपनी ड्रेस कान्हा जी को इस तरह से पहनाएंगे। तो ये देखिए ये है जो है चोली की फ्रंट वाली लुक। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर ट्राई करें और अगर आप अब तक चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड।